तो दोस्तों इस वीडियो में मैं GRTC गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट ST बस की टिकट कैसे बुक करना है वो मैं बुक करके आपको दिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको कोई भी ब्राउज़र में जाना है और GRSTC सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको पहले ही www. वाली वेबसाइट मिल जाएगी, GSRTC.in वाली, उस पर ही जाना है। क्योंकि आप इस पर सर्च मारोगे तो आपको रेड बस वो सारी बस यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस तरीके से इंटरफेस आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जहाँ जाना है और जहाँ पहुँचना है वहाँ का यहाँ पे आपको नाम डाल देना है। उसके बाद आप नीचे कौन सी डेट में आपको जाना है वो डेट आप नीचे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने डेस्टिनेशन यहाँ पर डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप रिटर्न टिकट के लिए भी है, तो आप रिटर्न भी आना चाहते हैं तो रिटर्न के लिए एक अलग से ऑप्शन साइड में मिल जाएगा। और इसमें 10% आपको कैशबैक भी प्रोवाइड हो जाएगा, आपकी टिकट में डिस्काउंट हो जाएगा। आप कितने पर्सन जाना चाहते हैं, मिनिमम एक टिकट में आप 6 जन की एक साथ में टिकट कर सकते हैं। सिंगल लेडीज़ है तो आप इसमें एक कॉलम दिया जाता है सिंगल लेडीज़ के लिए, वो भी आप इसमें टिक मार्क करके आप सिंगल लेडीज़ को भी इस जर्नी में भेज सकते हैं। और काफ़ी अच्छी सुविधा मिल जाती है आपको सिंगल लेडीज़ का, रिटर्न का कितने जन है वो और कौन सी डेट पे जाना है, सारे कुछ कॉलम आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। ये सब क्लिक करने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको वो रूट में जितनी भी आपने जो स्टेशन से जो डाला है उसके बीच में जितनी भी होगी वो सारी बस सर्विस आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाने के लिए मैं यहाँ पर डेस्कटॉप मोड का विकल्प सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे एक ही बस है लेकिन दो कैटेगरी में है, यहाँ पे सिटिंग की है और स्लीपर भी है। तो हम यहाँ पे स्लीपर कैटेगरी की सीट में 80 रुपये का डिफरेंस आपको वहाँ पे 80 रुपीज़ का डिफरेंस मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे बैठने वाली सीट को चॉइस करके हम यहाँ पे सीट नंबर सिलेक्ट करके आपको इसमें ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और आप जर्नी जो करने वाले उनका नाम डालना है, उम्र डालना है और उनका जेंडर सिलेक्ट करना है, जैसे मेल फीमेल। बाकी सब आप बोर्डिंग वो सब भी आप चेंज करना चाहते तो बोर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप कहाँ पे ड्रॉप है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो सारा कुछ डिटेल डालने के बाद आपको बुक नाउ और एक कैंसिल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो आप उसमें एडिट करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं। डिटेल आपको सब ओके है तो आप उसमें बुक नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। बुक नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू पेज पे आपको भेज दिया जाएगा जिसमें आपको पूरी डिटेल वेरीफाई करने के लिए आपको मिल जाएगी। वो आप डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे और आप उसमें पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप सारा कुछ डिटेल, डेट, वेट, नाम, वाम, बोर्डिंग पॉइंट, सारा कुछ यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा। तो नीचे आपको प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद आप इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, उस तरीके में उसमें से कोई भी प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट कर सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से नहीं, मैं UPI से करने वाला हूँ। क्योंकि आप इसमें क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत पेमेंट आपको ज़्यादा लग सकता है प्रोसेसिंग चार्ज। तो यहाँ पे मैंने UPI में जैसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे QR कोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि आप गवर्नमेंट में अभी आप पेमेंट करने के लिए QR कोड आपको शो हो जाता है। वो QR कोड आप कोई भी माध्यम से, चाहे पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, अमेज़ॉन पे, उस पर आप वो QR कोड स्कैन करेंगे तो अपने आप उतना अमाउंट आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको उसमें अमाउंट भी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, वो जितने का आपको पेमेंट करना है उतना पेमेंट अपने आप QR कोड में स्कैन होकर मिल जाएगा। तो सिंपली आपको वो पेमेंट का आपका बैंक सिलेक्ट करके वो पेमेंट कर देना है। हमारे केस में यहाँ पे पेमेंट ऑटोमेटिक आ चुका है, हमें बैंक सिलेक्ट करके पिन डाल देना है। पिन डालने के बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको वापस उसी पेज में रिफ्रेश जो आपने किया था आपने, तो वापस उसी पेज में चले जाना है। तो वहाँ पर आपका टिकट बुक हो जाएगा। बुक हो जाने के बाद आपको नीचे एक प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने में आपको एरर आए तो आपको वापस होम बटन वाला बटन पर जाके, और आप बाद में भी टिकट इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से वापस GRTC की वेबसाइट पे आना है और ऊपर 3 डॉट मिल जाएंगे। 3 डॉट पे जाने के बाद आपको उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है तो, और आपको सबमिट करना है। तो आपकी जो टिकट आप देखना चाहते हैं, आपने जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के बुक किया था, वो टिकट आपको शो हो जाएगा और वहाँ से आप दोबारा भी इस टिकट को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप GRTC की गवर्नमेंट बस की टिकट बुक कर सकते हैं। यही टिकट आप PTM से करते हैं तो आपको 100 रुपये
ज़्यादा टिकट महंगा गिरेगा, उससे अच्छा आप कोई भी गवर्नमेंट बस की टिकट उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल में बगल का बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।